इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, मोहन रनाडे एक बेहद ही अलग किस्म का राइटर था। वो मामूली सी भूतों की कहानी नहीं लिखता था, उसकी कहानियों में सच्चाई झलकती थी। लेकिन अब उसकी कलम भी कहीं न कहीं जंग खाने लगी थी, लिहाजा उसने सोचा कि सोच के दायरे को बढ़ाया जाए। एक समंदर के पास की पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि वो जगह भूतों का डेरा है। शहर की भाग दौड़ शोर शराबे से बहुत दूर, जहां उसे सोचने का वक्त मिले, वो आबो हवा मिले, उसने प्रॉपर्टी किराए पर ली और बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गया वहां कुछ वक्त बिताने। कुछ महीनों इंसान और मशीन की लोहे और ईंटों की दुनिया और दीवारों से मीलों दूर, और वहां पहुंचते ही समंदर की लहरों के शोर, उनकी हवाओं ने जैसे एक पल में ही मोहन की मुर्दा हो चुकी सोच में जान फूंक दी। पास ही एक चाय की दुकान दिखी, वहीं से रोज दिन में कई दफे चाय आती, चाय पीता जाता और पीछे की बालकनी में बैठकर लिखता जाता। ये नई किताब तो बस जैसे एक सपने की तरह बन रही थी। एक कबीले के आदिवासियों से सीखा हुआ आत्माओं को उनकी दुनिया से हमारी दुनिया में बुलाने के तरीकों से किसी आम इंसान की जिंदगी कैसे अचानक बदली, उसी पर किताब थी। तरीका था एक आईने का टुकड़ा आसमान की ओर रुक करके रखा हो, उसके चारों ओर एक मोम का घेरा हो और आईने के ठीक ऊपर जिसकी आत्मा को बुलाना हो उसकी तस्वीर हो। तस्वीर हुई तो उसी की आत्मा आएगी, वरना जो भी सबसे नजदीक भटकती आत्मा होगी वो आएगी, और अजनबी आत्माएं पता नहीं कौन हो कैसी हो। मोहन ने पीछे की समंदर वाली बालकनी में बैठे बैठे बस ये तरीका टाइप ही किया था, जब पलट के मोहन ने घड़ी देखी तो बेहद रात हो चुकी थी, तकरीबन 11:30 बजे थे, और यहां तो सामने चाय की दुकान छोड़कर कोई भी 8 बजे के बाद दिखता नहीं बाहर। मोहन ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा एक तकरीबन 22 साल का लड़का खड़ा था, कॉलेज का ही स्टूडेंट लग रहा था, मुस्कुराता हुआ एक पेन पकड़े खड़ा था और मोहन को देखकर जिसे पता नहीं कितना खुश हुआ। उसे देखते ही वो बोला, सर मैं बहुत दूर से आया हूं सर, चाय वाले ने बताया कि आप यहां रहते हैं और आपकी किताबों का मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर, जस्ट वन ऑटोग्राफ दैट इज ऑल व्हाट आई नीड सर। मोहन भी बहुत खुशी हुआ ऐसा सुनकर, मुस्कुराकर पेन और कागज मांगा तो लड़के ने बताया कि उसके पास कागज नहीं था। मोहन ने मुस्कुराकर उसे वहीं रुकने को कहा और अंदर चला गया उसके लिए एक कागज लेने। अंदर आकर अपनी खुद की डायरी के ही पन्ने पर लड़के के नाम का एक ऑटोग्राफ साइन किया और पन्ना फाड़ कर बाहर के दरवाजे की ओर आया तो देखा दरवाजा हवा से हिल रहा था और वहां वो लड़का नहीं था, शायद देर हो रही हो इसलिए चला गया। मोहन ने ऑटोग्राफ किया हुआ कागज मोड़कर टेबल पर पेपर वेट के नीचे दबाकर रखा और दरवाजा बंद करके वापस लिखने को बालकनी की ओर जा ही रहा था, जब टेबल पर रखे कागज की आवाज हुई। मोहन को समझ नहीं आया कैसी आवाज थी, उसने पलट कर टेबल की ओर देखा तो उसकी आंखें कुछ देर तक पलक झपकाना भूल गई, खून जैसे बह तो रहा था रगों में लेकिन गर्म नहीं था, बर्फ जैसा ठंडा था। एक सर्द सी पसीने की बूंद गर्दन से उतरकर पीठ पर किसी केंचुए की तरह धीमे धीमे सिहरन दौड़ाती हुई सी मोहन को परेशान करने लगी कि
क्योंकि मोहन के सामने टेबल पर रखा वो पेपर वेट कागज को सिर्फ एक कोने से दबाए हुए था और उस हवा में फड़फड़ाते हुए कागज पर लिखा था, आगे मत लिखो, हमें इस दुनिया में मत बुलाओ। मोहन ने वो कागज देखा तो देखता ही रह गया, तुरंत दौड़कर खुले दरवाजे से बाहर निकला और सीधा पहुंचा चाय वाले के पास और उससे उस लड़के के बारे में कुछ पूछता। इससे पहले ही वो चाय वाला बोला, बाबू साहब क्या लिखते हो आप, इतना लोग आपको ढूंढता हुआ आ रहा है, पूरा छह ठो लोग आया था, छह ठो। मोहन ने तो सोचा था कि उस चाय वाले से पूछेगा कि वो लड़का कौन था, किधर गया, जो उससे पता पूछकर मोहन के पास पहुंचा था। लेकिन यहां तो समझ ही नहीं आया कि पूछे तो पूछे क्या, छह लोग कौन आ सकते हैं और आखिरकार सिर्फ ऑटोग्राफ लेने भर को कोई क्यों कहीं से आएगा। मोहन अपनी उधेड़बुन में ही परेशान सा वापस अपने घर तक आया और दरवाजा बंद करके सोचा कि अब और अभी नहीं लिखेगा, कल सवेरे वापस लिखेगा। हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में मुंह पोंछता हुआ घुसा तो मोहन के हाथों में पकड़ा तौलिया छूट गया। एक बार फिर से गर्म लहू बर्फ सा रगों में दौड़ रहा था और पसीने की बूंदे माथे से पैरों की उंगलियों तक दौड़ रही थी, क्योंकि मोहन के ठीक सामने उसी के कमरे में उसके पलंग पर चार अनजान लोग बैठे थे। मोहन ने पूरी हिम्मत इकट्ठी की और उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे हो और चाहते क्या हो। उनमें से कोई कुछ नहीं बोला, बस मोहन को लगातार घूर रहे थे सब, जैसे पत्थर के टुकड़े थे वो सब, जैसे जान नहीं थी किसी में भी। उनमें से एक आदमी ने मोहन को नीचे पैरों की उंगलियों से सर के बल तक आराम से देखा और फिर कहा, आपसे हमें कुछ काम था। आज उस बात को कई साल हो चुके हैं। उस मकान के पास अब कोई नहीं जाता। भूत बंगले के नाम से मशहूर उस बंगले के आसपास भी कोई नहीं फटकता। सिर्फ समंदर की वो लहरें गूंजती है वहां और कभी रह रहकर इक्का दुक्का कोई देखने आ जाता है उस पुराने मकान को। हेमंत वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। उसे हर एक जगह जहां भूत प्रेत की कहानियां हो वहां जाकर उसका एक साइंटिफिक कारण ढूंढता था। वो अभी तक हर जगह जहां जहां हेमंत गया उसने हमेशा एक सटीक वजह ढूंढ कर निकाली और अपने यकीन को और मजबूत किया कि कोई भूत भूत नहीं होता है, ये सब कमजोर इंसानों के दिमाग की उपज है। हेमंत को जब इस बीच प्रॉपर्टी का पता चला तो उससे रहा नहीं गया, उसने सामान बांधा और पहुंच गया इस बंगलों के पास छानबीन करने। सूखी पत्तियों पर चलते चलते हेमंत ने अपने सामने एक दीवार पार करते ही देखा एक आदमी बैठकर मिट्टी को खुरपी से खोद रहा था। हेमंत ने उसे देखकर पूछा, अरे ओ भाई, अरे सुना है कि इस मकान में भूत बसते हैं। उस आदमी ने खुरपी फेंकी और हाथ पहुंचता हुआ बोला, पता नहीं यार, कभी कुछ ऐसा देखा सुना नहीं मैंने, आप नए लगते हैं, देखिए कहीं और रह रहे हो, उससे अच्छा यहीं ऊपर वाले कमरे में रह के खुद ही देख लीजिए, बस किराया दे दीजिएगा मुझे। हंसते और बातें करते हुए दोनों बंगलों के अंदर गए तो हेमंत ने देखा एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी उसके सामने, कई ढेर सारी किताबें थी और सारी की सारी हेमंत की पसंदीदा। हेमंत ने एक आधी किताब देखी
और पूछा कि क्या उन्हें भी पढ़ने का शौक है। तो उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब मेरी लिखी हुई किताबें हैं। हेमंत को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया तो उसने पूछा, लेकिन मोहन जी, मैंने तो सुना था कि आप मर चुके हैं। हेमंत जिससे बात कर रहा था उसका नाम था मोहन रनाडे, और उसकी लिखी हुई सारी किताबों के बीच खड़े होकर हेमंत ने एक सवाल पूछा, जिसके बदले में मोहन सिर्फ मुस्कुरा दिया और पलटकर दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ। तो उसे देखकर हेमंत को पूरे बदन में एक ठंड और साथ में जलन होने लगी, जैसे आग तो हो लेकिन ठंडी बर्फ जैसी। उसके सामने खड़ा मोहन पलटा तो हेमंत ने देखा कि मोहन का पूरा बदन पीछे सिर्फ कच्चे मांस का छीला हुआ टुकड़ा सा था। खाल उसके पूरे बदन की उठी हुई थी, मांस नोचा खसोटा हुआ और खून जमा हुआ था। हेमंत के देखते देखते ही मोहन वहां से चला गया। हेमंत एक पल को जड़ हो गया और वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन होश संभाल कर जब बाहर की ओर भागा तो दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हेमंत उस बंद हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। हेमंत के दरवाजे को खोलने की एक दो कोशिशों के बाद ही दरवाजा अपने आप खुल गया। हेमंत ने देखा एक चाय वाला चाय छान रहा था। कुछ करीब 7 लोग बाहर ही बैठे हुए थे और एक लड़का उन्हें चाय देते देते मुस्कुराता हुआ पलटा और हेमंत से कहा, कल तक आप भी हमारे ग्राहक होंगे, फिकर मत कीजिएगा। हेमंत जिस बात को आज तक नींद में भी मानता नहीं था, आज अभी समझ आया। दरअसल वो उसे मानना चाहता नहीं था, क्योंकि शायद उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उसकी सच्चाई को झेल सके, बर्दाश्त कर सके। उसके सामने वो चाय वाला, वो लड़का और सारे लोग उठकर खड़े हुए और पलट कर जाने लगे। हेमंत ने उन सब का एक ही हाल देखा, पूरा बदन पीछे से वैसा ही छिली हुई खाल और उसके पीछे एक मांस के लोथड़ी जैसा सड़ता बदन। हेमंत को डर और घिन का एक मिला जुला सा एहसास हो रहा था। वो खड़े खड़े उन सब को जाता हुआ देख ही रहा था, जब उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद हो गया। हेमंत पलटकर घर के पीछे के दरवाजे से निकलने को दौड़ा और दरवाजे को खोलकर जैसे ही हेमंत ने कदम बाहर निकाला तो किसी ने उसकी टांग पकड़कर उसे जोर से वापस घसीटा। हेमंत चिल्लाया चीखा, लेकिन फिर तुरंत उठकर खड़ा हुआ और दूसरे कमरे की ओर दौड़ा और खिड़की तक पहुंचा। खिड़की खोलने की उसने बेहद कोशिश की, जब नहीं खुली तो कांच फोड़कर उसमें से निकलने को खिड़की पर चढ़ा ही था, जब सामने उन सब बाहर बैठे लोगों में से एक आदमी ने उसे जोरदार धक्का देकर वापस अंदर धकेल दिया और हेमंत एक बार फिर से वापस उसी घर के अंदर बंद होकर रह गया। हेमंत का हाल बेहद बुरा था। उसको नहीं पता था कि करे तो क्या करे। वो आखिरकार जाकर चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ गया। हेमंत के ठीक पास में ही एक लकड़ी की अलमारी रखी थी। हेमंत को उसमें से एक आती हुई आवाज सुनाई दी। अलमारी धीमे धीमे झुकी और
एक जोरदार आवाज के साथ अलमारी का दरवाजा खोला और एक किताब उसमें से बाहर गिरी। हेमंत ने इतना सब देखा और बचने की एक आखिरी कोशिश करने की सोची। उठकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन हेमंत बाहर निकलता इससे पहले ही उसके सामने दरवाजा बंद हो गया। हेमंत दरवाजे को पीटता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हार कर आखिरकार जब हेमंत दरवाजे के पास बैठ गया तो एक आवाज ने आहिस्ते से दरवाजे के उस पार से हेमंत से कहा, पढ़ो। एक खाली कमरे में क्या पढ़ने को कह रहा था ये सोच सोच कर हेमंत परेशान हुआ जा रहा था, जब उसकी नजर कमरे में पीछे अलमारी के पास पड़ी उस किताब पर गई। हेमंत ने तुरंत दौड़कर किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें वही आदिवासियों का आत्माओं को बुलाने का तरीका लिखा हुआ था। अलमारी का दरवाजा एक बार फिर से जोर की आवाज से खुला। अंदर झांका तो एक आईने का टुकड़ा रखा हुआ था और साथ ही एक कागज रखा हुआ था। दरवाजे पर बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे पता नहीं कितने लोग दरवाजे को खटखटा रहे थे। दरवाजा खुला और हेमंत अपने काबू में नहीं था। जैसे उसके हाथ पांव जैसे किसी ने जकड़ रखे थे पूरी तरह से। पूरी ताकत लगा करके भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था हेमंत। आईने का टुकड़ा ठीक हेमंत के सामने सरक कर आया और उसके हाथों में पकड़ा कागज का टुकड़ा ध्यान से देखा तो वो कुछ और नहीं हेमंत की ही तस्वीर थी। हेमंत का हाथ उस तस्वीर को पकड़े हुए धीमे धीमे उस आईने के ऊपर जाने लगा और कुछ कदमों की आवाजें पीछे से आती सुनाई देने लगी। हेमंत ने पलट कर देखा तो वो सारे लोग जो उसे पहले मकान के बाहर दिखाई दिए थे वो सब धीमे धीमे मुस्कुराते हुए उसी की ओर आ रहे थे। हेमंत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हेमंत के हाथ में पकड़ी उसकी तस्वीर आईने के ऊपर जाकर रुकी और हेमंत के चारों ओर वो सब मुस्कुराते हुए बैठे। और फिर कहते हैं आत्माओं को उनकी दुनिया से इस दुनिया में बुलाना तो आसान है, लेकिन उन्हें वापस कैसे भेजना है ये कोई नहीं जानता।